How to Make People Like You in 90 Seconds by Nicholas Boothman. क्या आप लोगों से बात करने में हिचकिचाते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप किसी को कम समय में अपना अच्छा दोस्त बना सकते हैं? ये किताब आपकी इन समस्याओं को सुलझाने में आपकी मदद करेगी। दूसरों से बात करना हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। किसी अजनबी से बात करने में जितनी हिचकिचाहट आपको होती है, उतनी ही हिचकिचाहट उस अजनबी को आपसे बात करने में होती है। अगर ऐसे में आप किसी से बात करना चाहें तो आप इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? इसके अलावा आप उस अजनबी की हिचकिचाहट को कम कर उसे खुद से बात करने के लिए कैसे तैयार करेंगे? ये किताब आपके इन्हीं सवालों का जवाब देती है। इसे पढ़कर आप सीखेंगे किसी अजनबी से बात करने की शुरुआत कैसे की जाती है, बात करने में बॉडी लैंग्वेज का क्या महत्व है, किस तरह किसी की आंखों की हरकतों से आप उसके स्वभाव के बारे में बता सकते हैं। पहला सबक, ज्यादा लोगों से मिलने से आप सेहतमंद रहते हैं और ज्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि किसी को भी अजनबी से बात करने में हिचकिचाहट होती है। लोग हमेशा अपनी जान पहचान के लोगों में ही रहना चाहते हैं और अगर उन्हें कुछ अजनबी लोगों के बीच में बैठा दिया जाए तो वे बहुत जल्दी उब जाते हैं। अगर आपने कभी ट्रेन या बस में सफर किया हो तो आपने देखा होगा कि एक ही सीट पर बैठने वाले दो लोग आपस में बात नहीं करते। जो लोग हमेशा नए लोगों से मिलते और बात करते रहते हैं वे सेहतमंद रहते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि आप अपनी जान पहचान के लोगों की भीड़ से बाहर निकलें और नए दोस्त बनाएं। इससे आप ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाएंगे। जब आप नए लोगों से मिलें तो ये जरूरी है कि आपके बीच होने पर उन लोगों को अच्छा महसूस हो और आपसे अच्छे से बात करेंगे। अगर आप उन्हें पसंद आएंगे तो वे आपका स्वागत करेंगे और आपसे अच्छे से बात करेंगे। आप अपनी बात करने के तरीके से अपने अंदर का आत्मविश्वास लोगों के सामने ला सकते हैं जिससे वे आप पर भरोसा करने लगेंगे। इसके अलावा एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग ज्यादा लोगों से मिलते हैं वे ज्यादा दिन तक जिंदा रहते हैं। 1979 में हार्वर्ड स्कूल ऑफ हेल्थ एंड साइंस ने 35 से 65 साल के 7,000 लोगों पर 9 साल तक स्टडी की। ये स्टडी डॉक्टर लीजा बर्कमैन ने की थी। इस स्टडी में पाया गया कि जो लोग दूसरे लोगों से ज्यादा घुलते मिलते थे उनकी मौत बीमारी से नहीं हुई। नए दोस्त बनाने वाले लोग ज्यादा दिन तक जिंदा रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि नए दोस्त कैसे बनाएं? अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम किसी अजनबी को 90 सेकंड में पसंद नहीं आते तो वे हमसे ज्यादा देर तक बात करने में दिलचस्पी नहीं रखते। तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे लोग आपको 90 सेकंड के अंदर पसंद करने लगे? आइए देखते हैं। दूसरा सबक, किसी अजनबी से बात करने से पहले आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना होगा। जब आप किसी भी अजनबी से बात करने जाएं तो ये जरूरी है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पर खास ध्यान दें। आपकी बॉडी लैंग्वेज से होने वाले दोस्त को ये लगना चाहिए कि आप भरोसेमंद हैं और आपसे बात करना ठीक होगा। अच्छी बॉडी लैंग्वेज की शुरुआत आपके बॉडी पॉस्चर से होती है। जब आप किसी के पास जाएं तो कुछ इस तरह से खड़े हों जिससे आपका दिल उस व्यक्ति की तरफ हो। दूसरे शब्दों में आप अपने शरीर के बाएं हिस्से को आगे कीजिए। इससे ये जाहिर होता है कि आप विनम्र हैं और खुलकर बात कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी आंखों पर ध्यान देना होगा। आप सामने वाले से आंखें मिलाइए। इससे आपका आत्मविश्वास जाहिर होता है। जब वो व्यक्ति आपकी तरफ देखे तो आप हल्का सा मुस्कुराइए जिसे ये लगने लगे कि आप एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। इसके बाद आप उनसे बात की शुरुआत करने के लिए कुछ हेलो जैसे शब्द का इस्तेमाल कीजिए। आप उन्हें पहले अपना नाम बताइए जिससे वे आपको जान सके और फिर वे भी आपको अपने बारे में बता सके। जब वे अपना नाम बताएं तो आप उनके नाम को दोहराइए जिससे वो नाम आपको याद हो जाए। इसके बाद आप उस व्यक्ति की तरफ थोड़ा सा झुकिए। आप इस तरह से झुकिए कि उसे इस बात का एहसास ना हो। आप जान पहचान करने के लिए उनसे हाथ भी मिला सकते हैं। अगर आप किसी से बात की शुरुआत करते वक्त इन बातों का ध्यान रखेंगे तो वो व्यक्ति अंदर ही अंदर समझ जाएगा कि आप भरोसेमंद हैं और वो आपसे दोस्ती कर लेगा। तीसरा सबक, बात करने से पहले ही आप ये तय कर लीजिए कि आपको उससे क्या बात करनी है। जब भी आप किसी से बात की शुरुआत करें तो ये जरूरी है कि आप उससे उसी के बारे में बात करें जिसमें उसे और आपको रुचि हो। इससे ये जाहिर होता है कि आप बिल्कुल उनके जैसे ही हैं। जब लोगों को ये लगेगा कि आप में और उनमें कुछ चीजें मिलती हैं तो वे आपके साथ सेफ महसूस करेंगे। कभी कभी हम ये तय नहीं कर पाते कि सामने वाले को क्या पसंद है। ऐसे में ये जरूरी है कि आपको भरोसे का एक संबंध बनाना है। इसके लिए आप अपने चेहरे के भाव, अपने बर्ताव और अपनी आवाज के टोन पर ध्यान दीजिए। इससे उस व्यक्ति से आप एक अच्छा कनेक्शन बना पाएंगे।
एक अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए आपको एक सही अंदाज का इस्तेमाल करना होगा। सही अंदाज का इस्तेमाल इससे शुरू होता है कि आपको सामने वाले से क्या बात करनी है। ये आपकी बॉडी और आपके चेहरे के भाव का सही इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ जब आप ये सोचने लगते हैं कि आपको अपने बात करते वक्त किन किन बातों को नहीं करना है, तब आप नेगेटिव होने लगते हैं और आपकी पहली मुलाकात आपकी आखिरी मुलाकात में बदल जाती है। इसीलिए सबसे पहले आप ये सोच लीजिए कि आपको क्या बात करनी है, जिससे आपका शरीर और आपका चेहरा उसी के हिसाब से अपने भाव को दिखाए। अगर आप ये तय कर लेंगे कि आपको क्या बात करनी है, तो उसकी झलक आप में अपने आप दिखने लगेगी। आपके चेहरे की मुस्कान, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज़ और आपका रवैया सभी आपकी ज़रूरत को समझकर अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लेंगे और आप अच्छे से बात कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि आपको क्या नहीं बोलना है, तो आपका शरीर उस नहीं बोलने वाली बात के हिसाब से अपने आप को ढालेगा, जिससे आपका काम बिगड़ सकता है। चौथा सबक, दूसरों का भरोसा जीतने के लिए ये ज़रूरी है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके शब्दों से मिले। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि बॉडी लैंग्वेज को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज के दो तरीके होते हैं, ओपन और क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज। ओपन बॉडी लैंग्वेज में आप अपना दिल खोल कर बात करते हैं। इसमें आपके चेहरे के भाव हमेशा बदलते रहते हैं और आपके बात करने के तरीके से ये साफ पता चलता है कि आप बात करने के लिए उत्सुक हैं। जब आपका और सामने वाले का दिल आमने सामने होगा, तब आप सामने वाले से एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं। दूसरी तरफ क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज में आपके चेहरे पर कोई भाव नहीं रहता और आपका दिल सामने वाले से छुपा हुआ होता है, जिससे आपके बीच अच्छा कनेक्शन नहीं बन पाता। इससे आपके अंदर की बेचैनी और परेशानी साफ साफ नजर आती है और आप सामने वाले पर एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं बना पाते। क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाथों को मुड़कर खड़े होना या बातें करना। इसीलिए किसी से बात करने से पहले आप ये देख लीजिए कि क्या आपके शरीर और आपके मुंह से एक ही बात निकल रही है या अलग अलग। इसलिए आप जो भी बोले उसकी झलक आपकी आवाज और आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखनी चाहिए। अगर इन सभी में तालमेल नहीं है, तो आपके अंदर का आत्मविश्वास पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाएगा और आप सामने वाले से अच्छा कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आप अपने उस दोस्त को ले लीजिए जो खुल कर बैठा है, हंसकर बातें कर रहा है और उसके चेहरे के भाव भाव भी ठीक है। ऐसे दोस्त को आप देखकर ही बता देंगे कि वो खुश है। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त हाथ मुड़कर बैठा हुआ है, ज्यादा बातें नहीं कर रहा है, तो आप उसे देखकर बता सकते हैं कि वो किसी बात को लेकर परेशान है। जब आप किसी अजनबी से बात करने जाएं और उसे अंदर ही अंदर ये लगे कि आप थोड़ी परेशान हैं, तो वो आपसे ज्यादा बात नहीं करना चाहेगा। इसीलिए ये जरूरी है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज पर खास ध्यान दें। पांचवा सबक, अगर आप दूसरों के हाव भाव की नकल करेंगे, तो वे आपके पास होने पर सुरक्षित महसूस करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग उसी के पास रहना ज्यादा पसंद करते हैं जो उनके जैसे होते हैं। इस किताब की शुरुआत में हमने देखा कि कैसे कुछ लोग नए लोगों के साथ बातचीत करने में हिचकिचाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? जब किसी के हाव भाव हमसे मिलते हैं, तो हमें अंदर से लगने लगता है कि वो व्यक्ति हमारे जैसा है। ऐसे में हमें उस व्यक्ति में अपनापन महसूस होता है और उसके साथ रहने पर हम सुरक्षित महसूस करते हैं। इसीलिए अगर आप दूसरों के हाव भाव की नकल करें, तो उस व्यक्ति को अपने आप अच्छे लगने लगेंगे और वो खुल कर आपसे बात करने लगेगा। हम हमेशा से ही दूसरों की आदतों की नकल करते आए हैं। एक छोटा बच्चा बड़ों की नकल करके ही बोलना सीखता है और हम बहुत सी चीजें सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे उसे कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके सारे दोस्त इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, तो आप भी उनके साथ इंजीनियरिंग करने जाएंगे। ये इंसानों का स्वभाव होता है। अगर आप किसी को हंसता हुआ देखें, तो आपको भी हंसने का मन करता है। किसी मूवी में अगर कोई इमोशनल सीन आ जाए, तो आप भी इमोशनल हो जाते हैं। इसके अलावा जब हम किसी मूवी में कोई नया हेयर स्टाइल देखते हैं, तो उसकी नकल करने लगते हैं। तेरे नाम और तारे जमीन पर इसके अच्छे एग्जाम्पल है। लोगों से बात करते वक्त उनकी नकल करने का मतलब है उनके हाव भाव की नकल करना। ऐसे में आप उनके बोलने के तरीके, उनके चेहरे के भाव और उनकी आवाज की गहराई की नकल कर सकते हैं। अपने पार्टनर की आवाज की नकल करने से आप उस पर काफी अच्छा असर डाल सकते हैं। अगर वो हल्की आवाज में बोल रहा है, तो बेहतर है आप भी हल्की आवाज में ही बात करें। इससे आपके पार्टनर को आपसे बात करने में आसानी महसूस होगी। छठा सबक, बात शुरू करने के लिए सवाल करना और सामने वाले की बातों में रुचि बनाए रखने के लिए सुनना बहुत जरूरी है।
बातें शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सामने वाले से सवाल पूछें। अपने हाव भाव से लोगों को खुश करना ही काफी नहीं होता। अगर आप सामने वाले की बातों से उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उसे सवाल करने होंगे, जिससे आप उसकी पसंद नापसंद के बारे में जान सके। सही सवाल पूछने से आप अपनी बातों को एक सही दिशा दे पाएंगे। सवाल दो तरह के होते हैं, एक सवाल जो लोगों को खोल दे और एक जो उन्हें बंद कर दे। आइए देखें ये सवाल कौन से हैं। अगर आप कहीं बस में सफर कर रहे हैं और आपके बगल में कोई बैठा है, तो आप उससे कुछ ऐसे सवाल पूछिए जिसमें क्या, कब, कहां, कैसे और क्यों जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो। इससे वो आपके सवाल का जवाब देगा। जैसे आप पूछ सकते हैं कि आज के मौसम के बारे में आपका क्या कहना है, या फिर आप उससे पूछिए कि वो कहां का रहने वाला है और कहां जा रहा है। दूसरी तरफ वे सवाल जो लोगों को बंद कर देते हैं, उनका जवाब अक्सर हाँ या ना में आता है। अगर आप उस व्यक्ति से पूछें क्या आप रोज सफर करते हैं, इसका जवाब वो हाँ या ना में दे सकते हैं। शायद आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो, जब आप किसी को अपनी कोई परेशानी बता रही हूँ या किसी को कुछ समझा रही हूँ, तभी वो आपकी बात काट कर कुछ बोलने लग जाए। ऐसे में आपको उसका बोलना अच्छा नहीं लगेगा। ये बात दूसरों पर भी लागू होती है, इसलिए सुनना भी बेहद जरूरी है। आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है, तो आप उसकी बात को काटिए मत। एक बार जब उसकी बात पूरी हो जाए, तब आप उसका जवाब दीजिए। सुनते वक्त अपनी पलकों को झपकाइए और उनसे रुक रुक कर आंखें मिलाइए। सातवां सबक, आप किसी की आंखों की हरकतों से उसके स्वभाव के बारे में बता सकते हैं। 1970 में रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर ने लोगों के हाव भाव को देखकर और उनसे बात करके उनके स्वभाव के बारे में जानकारी हासिल करने की कला खोजी। इसे न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहा जाता है। उन्होंने देखा कि लोग किसी चीज को देखकर, सुनकर या महसूस करके अपने आसपास की चीजों को समझते हैं। अक्सर लोग इन तीन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, पर जिसका इस्तेमाल वे सबसे ज्यादा करते हैं, वही उनके स्वभाव के बारे में बताता है। वे जो अपने आसपास की चीजों को देखकर उसे समझते हैं, वे बहुत तेजी से बात करते हैं। वे हमेशा अपने लुक्स और चीजों की खूबसूरती की परवाह करते हैं। अगर आप उनसे सवाल करें आपको उस जगह की कौन सी चीज अच्छी लगी, तो वे अपने अगल बगल कुछ इस तरह से देखेंगे जैसे वे किसी को ढूंढ रहे हों या अपने आसपास की चीजों में जवाब खोज रहे हों। जो अपने आसपास की चीजों को सुनकर महसूस करते हैं, वे ज्यादा बातें करना पसंद करते हैं। उन्हें गानों से और शब्दों से प्यार होता है। वे लोगों को पढ़ाना या समझाना पसंद करते हैं। अगर आप उनसे वही सवाल करें, तो वे अपनी आंखों को कुछ इस तरह दाएं बाएं घुमाएंगे जैसे वो कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हों। ऐसे लोग हमेशा और बताओ या सुना हुआ लगता है जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अंत में वे लोग जो चीजों को महसूस करते हैं, वे कम और धीरे धीरे बोलते हैं। उनकी आवाज हल्की होती है और उन्हें सिंपल कपड़े पसंद होते हैं। अगर आप उनसे ये सवाल पूछें, वे अपनी आंखों को झुकाकर दाएं बाएं देखने लगेंगे। इस तरह से आप लोगों की आंखों की हरकत देखकर उनके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। अगर आपको सामने वाले के स्वभाव के बारे में नहीं पता है, तो आप उसकी आंखों को देखिए, जिससे आपको उनके बारे में पता चले। इस तरह से आप अपने आप को उनके हिसाब से ढाल सकते हैं और उससे अच्छे से बात कर सकते हैं। कुल मिलाकर नए लोगों से मिलने से और उनसे बात करने से हम सेहतमंद रहते हैं और ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकते हैं। दूसरों से दोस्ती की शुरुआत उनसे बात करने से होती है, इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप दूसरों से इस तरह से बात करना सीखें जिससे वे आपके साथ होने पर सुरक्षित महसूस करें। बॉडी लैंग्वेज का इसमें बहुत अहम हिस्सा होता है। दूसरों से बात करने के अलावा उन्हें सुनना भी जरूरी है, जिससे हम उनको अच्छे से जान सकें। क्या करें? अपनी आवाज पर इस एक्सरसाइज से काबू पाएं। जब आप देखें कि आपका पार्टनर आराम से बात कर रहा है और आप बहुत तेज बात कर रहे हैं, तो आप अपनी बोलने की स्पीड को उनके लेवल में ले आएं। इसके लिए आप सांस लेते वक्त अपने पेट में सांस खींचिए, ना कि अपने सीने में। इससे आपको आराम मिलेगा और आप आसानी से बात कर पाएंगे। आप सुन रहे थे How to make people like you in 90 seconds or less by Nicholas Boothman।